हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज मैं हूँ झारसुगुड़ा, मतलब मेरे होम टाउन में, और मेरे साथ मेरी मम्मी है। एंड आज का ये जो वीडियो रहेगा वो होगा गार्डनिंग के ऊपर। आप मेरे मम्मी का गार्डन ऑलरेडी मेरे चैनल में देख चुके हैं एंड आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो गार्डनिंग के ऊपर किया जाए। तो आज मम्मी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप एक हेल्दी मनी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। मैं एक बिगनर हूँ एंड मुझे इतना डिटेल में नहीं पता है कि किस तरह से आप अपने प्लांट्स को केयर कर सकते हैं एंड वो डिफरेंस दिखता है। मेरे पास जो मनी प्लांट है एंड मम्मी के पास जो प्लांट है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो मेरे को लगा मम्मी ही सही हैं जो आपको एक गाइड दे सकते हैं एंड कुछ आसान तरीके बता सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो पुराना मनी प्लांट होगा उससे कैसे आप बहुत ज़्यादा मनी प्लांट बनाएं, तो उसके लिए क्या होता है, जो उसका एक्स्ट्रा ब्रांचेस सारा निकले रहता है उसको आप निकाल लीजिए, क्योंकि कभी कभी वो भी ख़राब लगता है बहुत ज़्यादा ब्रांच होने से। उसको काट के हम बहुत सारा प्लांट भी बना सकते हैं। तो फिर मैं काटती हूँ इसको, आप यहाँ से ऐसे काट लीजिए, दो तीन ब्रांचेस काट लेंगे तो हो सकता है कि तीनों ना हो, दो हो जाए। कुछ इस तरह से आप काट के फिर उसको पानी के ग्लास में रख लीजिए। ये सही है, इसमें तीन पत्ते हैं, देखने में भी सुंदर लग रहा है। इसमें से कुछ ज़्यादा पत्ते हैं तो इसको हम काट के अलग कर देते हैं। तीन चार पत्ता रहने से वो सही होता है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको मैं काट के अलग कर देती हूँ, इसको सीधा बना देती हूँ। हमारा मनी प्लांट पानी में रखने के लिए तैयार है। सबसे पहले आप ग्लास में ऐसे कांच का ग्लास में पानी भर दीजिए, फिर तीनों को इसमें सिंपली छोड़ दीजिए ऐसे इस तरह से, और उसको ऐसे जगह रखिए जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना आए, और हर तीन दिन में एक बार उसका पानी चेंज करना पड़ता है, नहीं तो फिर पानी गंदा होके उसका रूट सड़ जाता है। आप इसे डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं, ऐसा सुंदर भी लग रहा है और वो अपना रूट डेवलप करता रहेगा। पंद्रह दिन के बाद रूट कुछ इस तरह के हो जाते हैं। इसमें कुछ कुछ पत्ते भी खराब हो गए हैं, जब हम पटिंग करेंगे तो ये सारा काट के निकाल देंगे। पटिंग के लिए एक तो शैलो पॉट ऐसा ले लीजिए, उसमें चार पांच होल होना चाहिए कि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाए। होल के ऊपर ऐसा टूटे हुए गमले के जो टुकड़े होते हैं उसको इस तरह से दे दीजिए। पॉटिंग के लिए आप गार्डन सॉइल ले लीजिए, नॉर्मल गार्डन सॉइल, उसमें कुछ आप काउडंग इस तरह से मिला दीजिए, और ये उससे ज़्यादा थोड़ा कोकोपीट लीजिए। कोकोपीट ये है कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, ये कोकोनट का ही बना हुआ होता है और ये पानी को मॉइस्चर रखता है। और कुछ सैंड, जो घर बनाने के लिए जो सैंड आता है, कुछ इस तरह के सैंड मिला लीजिए, ये वेल ड्रेन होता है। इस सबको एक ही साथ आप मिला लीजिए। मिलाने के बाद कुछ इस तरह के हो जाता है। अब इस मिट्टी को हम पॉट में डालते हैं। मिट्टी कुछ इस तरह एक डेढ़ इंच नीचे रखिएगा, क्योंकि पानी देने में बाद में कुछ खाद उद देने में सुविधा होती है। ये जो खराब हो गया है पत्ता, इसको हम काट के अलग कर देते हैं। फिर नए पत्ते आएंगे, फिर हरा भरा हो जाएगा।
तीनों को एक के साथ मिला के लगाएं ताकि वो घना बने। थोड़ा सा हाथ से हल्का दबा दीजिए, जोर से दबाएंगे तो उसका रूट टूट भी सकता है। अभी पानी दे दीजिए, पानी अच्छे से पहली बार दे दीजिएगा कि ताकि पेड़ को अच्छा पानी मिल जाए। उसके बाद जब आप देखेंगे ये सूख गया है मिट्टी, तब जाके पानी दीजिएगा। ओवर वाटरिंग भी पेड़ को ख़राब कर सकती है। पॉट को ऐसे जगह रखिए जहाँ पे डायरेक्ट धूप ना हो। डायरेक्ट धूप आने से पत्ते जल जाते हैं, लेकिन दिन का अच्छे तरह उसको लाइट मिल जाए। आप मिट्टी में ऐसे उंगली डाल के देखिएगा, अगर गीला लग रहा है तो पानी मत दीजिएगा, अगर लग रहा है कि वो सूख गया है तो पानी दे दे, क्योंकि कोकोपीट है वो पानी को मॉइस्चर करके रखता है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए करीब करीब एक महीना लग जाएगा। आपके मनी प्लांट में कुछ इस तरह के पत्ते या स्टेम कहीं सूख जाता है तो उसको काट के साफ कर दीजिए। पेड़ को ग्रो होने में सहायता मिलती है और पेड़ सुंदर भी दिखता है। सो ये था आज का वीडियो मनी प्लांट के ऊपर। अगर आपको कोई भी गार्डन रिलेटेड वीडियो सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरीज है, आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। सो इसी के साथ आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।